हाय गाइस, मैं हूँ सौरभ और आज हम सीखेंगे कैसे एक बॉलीवुड सॉन्ग बनता है। तो आज की वीडियो हम ज़्यादा बड़ी नहीं, बिल्कुल छोटी रखेंगे। और बहुत टाइम से मैं भी देख रहा हूँ आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को, शेयर भी नहीं कर रहे, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए म्यूजिक प्रोडक्शन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले हम गाने को सुनते हैं कैसा साउंड करता है। तू रहे दूर, तू रहे पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस, मेरे सपने मेरे हर ख्वाब में तो है तू ही बस मेरी जान। इश्क में तेरा तू आशिकी मेरी, इश्क में तेरा हाँ तू आशिकी मेरी। तो जैसे कि आपने सुन लिया ये कैसा साउंड करता है, तो चलिए अभी मैं बताता हूँ इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया है। तो सबसे पहले जो एलिमेंट आएगा वो है पियानो, जो कि साउंड करेगा कुछ ऐसा। बस यही है, इसके साथ लेयरिंग में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पियानो चल रहा है। और जो सेकंड चीज़ उसके बाद ऐड होंगी इसमें है वो है पैड्स और थोड़ा सा कुछ एवॉक्स टाइप का, सिंथेसाइजर टाइप का साउंड है। तो पहले सुन लेते हैं हम एक एक करके कैसा साउंड करता है वो सब। काफ़ी सूदिंग। तो चलिए कौन सा सिंथेसाइजर यूज़ किया वो भी बता देते हैं। इसमें मैंने कॉन्टैक्ट यूज़ किया है और नॉट गिटार नहीं, हाँ कॉन्टैक्ट का एक्सहेल करके आता है फ्रॉम आउटपुट। तो ये बहुत सही सिंथेसाइजर है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट काइंड ऑफ अ सिंथेसाइजर बट एक वोकल इंजन, हाँ ये एक वोकल इंजन है, सॉरी लिखा हुआ है मॉडर्न वोकल इंजन। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो बहुत सारे साउंड हैं इसमें। मैंने इसमें यूज़ किया सीक्रेट गार्डन करके, बहुत सही साउंड करता है तो आई जस्ट यूज्ड इट। और जो उसके बाद एलिमेंट इसमें ऐड हुआ है वो है गिटार, जो कि साउंड करता है कुछ ऐसा। और हमेशा की तरह इसमें भी मैंने अपना नेटिव इंस्ट्रूमेंट का सेशन गिटारिस्ट यूज़ किया है, बहुत सही है, बहुत ही बढ़िया है। सेशन गिटारिस्ट में पिक्ड अकूस्टिक करके आता था, यू कैन यूज़ दैट, बहुत सही है। और उसके बाद जो एलिमेंट इसमें आया है वो है स्नैप और क्लैप, जो कि साउंड करेंगे कुछ ऐसा। और मैंने इन सब चीज़ों को पैन किया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि पैन करने से क्या होता है ना, थोड़ा सा आपको साउंड फील्ड में जगह मिल जाती है अपने वोकल्स और जो सेंटर में रहती हैं एलिमेंट्स, जैसे कि वोकल्स हो गया, किक हो गया ड्रम का एंड बेस गिटार हो गया, तो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। ओके और बाय द वे, हाँ इस गाने में मैंने बेस यूज़ नहीं किया है, बेस का यूज़ ही नहीं हुआ है इस गाने में। तो एक बार हम पहले इस पूरे सेक्शन को सुन लेते हैं कैसा साउंड करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो एलिमेंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है कुछ भी नहीं है, गिटार आपका चलेगा कंटिन्यूसली और पैड्स आपके चलेंगे कंटिन्यूसली, और उसमें जो ऐड होगा वो है वोकल्स। तो देख लेते हैं वोकल कैसा साउंड करता है हमारा, फिर बताते हैं वोकल में क्या क्या किया है। तू रहे दूर, तू रहे पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस, मेरे सपने मेरे हर ख्वाब। काफ़ी सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, एक बार हल्का सा दिखा देता हूँ। ऑटोट्यून प्रो लगा रखा है, क्यों ऑटोट्यून यार, हमेशा ऑटोट्यून करने के लिए यूज़ नहीं होता मोस्टली, जहाँ तक है
एक गाने को ना चिपकाने का काम करता है, जैसे कंप्रेसर काम करता है ना, वैसे ऑटोट्यून का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है किसी किसी सॉन्ग्स में। उसके बाद कंप्रेसर यूज़ किया है, फिर इक्वलाइजर यूज़ किया है, एक और इक्वलाइजर है, उसके बाद डीएसआर यूज़ किया लास्ट में बेसिक। और सेम चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी, वोकल्स पे इफ़ेक्ट कैसे डालते हैं। दो आप यहाँ पे बस बनाओ, ठीक है, यहाँ से आप इसको साइड चेन सॉरी राउट कर दो इन दोनों चैनल पे। उसके बाद बस और कुछ नहीं करना है, इफ़ेक्ट्स और रिवर्ब अलग अलग ट्रैक में डालोगे अपने अपने गाने के हिसाब से, आप उसे बैलेंस करो, सबसे इजी निकल जाएगा पूरा गाना आपका। उसके बाद जो इसमें चीज़ यूज़ हुई है वो हुआ है एक इलेक्ट्रिक गिटार, डिस्टॉर्शन गिटार, जो कि साउंड करेंगे कुछ ऐसे। एक मतलब रश वाला स्ट्रोक पड़ता है ना दूसरा, ट्रो तो उस टाइप से डाला हुआ है कुछ। और यहाँ पे एक बार सुन लेते हैं बिल्डअप आ कैसा रहा है। मेरी जान इश्क में तेरा तू आशिकी, समझ गए, इजी, कुछ ज्यादा तोप नहीं था। इसके बाद एलिमेंट आता है हमारे ड्रम्स, जो साउंड करेंगे कुछ ऐसा, कुछ खास नहीं है नॉर्मल। मैंने चलो पहले सुन लो फिर बताता हूँ क्या यूज किया। नॉर्मल ड्रम है। इसमें जो मैंने यूज़ किया है वो है FL स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन FPC। इसमें भी एक ड्रम किट थी हार्ड रॉक करके, तो आई जस्ट यूज़ दैट, मेरा काम हो गया था उसी में। तो हाँ, इट इज़ प्रिटी गुड, अच्छा साउंड करता है। इश्क में तेरा तू आशिकी मेरी, काफ़ी कूल, काफ़ी सही। हाँ एक और चीज़, आप जो जो एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हो अगर आपको लगता है कि वो पैन हो सकते हैं तो प्लीज़ उसे पैन करना। जैसे कि मैंने पियानो को पैन किया है अपना, अपने गिटार को पैन किया है, स्नैप्स को पैन किया है, क्लैप को पैन किया है, जितने भी ये छोटे मोटे इफेक्ट्स वगैरह इन सबको पैन कर रखा है, क्योंकि सेंटर पे रखोगे तो उतना आपको गाने में स्पेस नहीं मिल पाएगा जितना नॉर्मली मिलता है। तो लास्ट में एक और एलिमेंट ऐड हुआ है इसमें पूरे गाने में, बाकी कुछ नहीं है, एक छोटा सा गिटार है जो इसके इंटरलूड में यूज हुआ है, साउंड करता है कुछ ऐसा। नॉर्मल गिटार, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं, ठीक, इजी था, सिंपल था, बस यही है पूरे गाने में, और कुछ नहीं था इसमें। बेस तक मैंने यूज़ नहीं किया इस बार, ठीक है। और एक और चीज़, बहुत से लोग पूछेंगे कि आपने इस बार किक को साइड चेन क्यों नहीं किया, क्यों? सुनो, क्योंकि जो हमारा ड्रम का किट है ना, मतलब किक है सॉरी, जो हमारा ड्रम का किक है उसका फ्रिक्वेंसी उतना मतलब ओवर पावरिंग नहीं है वोकल्स को, तो अकूस्टिक किक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक किक होती यू हैव टू डू दैट, अकूस्टिक किक में थोड़ा बहुत चल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आप साइड चेन नहीं कर रहे हो तो गाने के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो गाने को ओवर पावर कर रहा होता किक तो मैंने वो करा होता ऑलरेडी, बट यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा, एक बार आप सुन लो फिर भी। इश्क में तेरा हाँ तू आशिकी मेरी, तू है जैसे रंग रंगों का समा, तुझ जैसा कोई कहाँ, मैं जो देखूं जब भी तुझे होश ना मुझको मेरा रहा, इश्क में तेरा तू आशिकी मेरी। सिंपल, बहुत इजी। अगर आपको ये गाना पसंद आया तो प्लीज़ इसको जाके सुनो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो प्लीज़ जाके चेक करो। मुझे इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको नई नई अपडेट्स चाहिए, और उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डालते रहता हूँ कि क्या नई चीज़ें आने वाली है। मेरी अभी एल्बम आने वाली है कुछ टाइम बाद, मेरा नया सिंगल आँखों में रिलीज़ हो चुका है 12 तारीख को, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ जाके सुन सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, आपको हर जगह मिल जाएगा, सारे प्लेटफॉर्म्स पे जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं प्लस यूट्यूब, मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा। और उस गाने पे भी बहुत जल्दी वीडियो आ रही है कि वो गाना कैसे एक मैंने प्रोड्यूस किया, कैसे उस पर काम हुआ, तो सब कुछ आपको मिलेगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सिया।